हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री मूवमेंट बुक का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरशामा। ठीक है, तो इस स्टोरी में इरशामा का एक प्लेस है जहां पर बहुत भयंकर सा तूफान आता है, सभी जगह साइक्लोन आता है और जो है सभी जगह मडी वाटर हो जाते हैं। ठीक है, लोग मर जाते हैं, लोगों के घर बह जाते हैं। तो इस स्टोरी में एक करेक्टर है प्रशांत, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मतलब वो लीड करता है और लोगों को बचाता है और फिर जो अनाथ रहती हैं, जो विधवा रहती है, उनके लिए शेल्टर करता है और फिर मेडिकल्स और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जबकि वो जो प्रशांत है, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, वो एक टीनेजर है, 14 to 15 ईयर्स उसकी एज होगी। ठीक है, उड़ीसा में एक प्लेस है इरशामा और यहाँ पर तूफान आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Havoc has a super cyclone wrecked in the life of people of Odisha. तो उड़ीसा में जो तूफान आया था, जो साइक्लोन आया था, उससे लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। The super cyclone destroyed everything in the Odisha and the majority of the houses has been blown away. Muddy water was everywhere. Many people lost their life. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, इससे बहुत सारे लोगों के जो घर थे वो बह गए। ठीक है, और सभी जगह जो है मडी वाटर थे और बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर चुके थे, मतलब वो मर चुके थे। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। ठीक है, तो प्रशांत एक टीनेजर था, उसने कैसे अपने गाँव के लोगों की हेल्प की थी। आंसर देखते हैं, प्रशांत फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स एंड गॉट राइस फॉर द पीपल। तो प्रशांत ने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, लोगों का, जिससे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। सेकेंड वन इज़, दे क्लीन द शेल्टर एंड टेंडेड टू अ इंजर्ड। तो उन्होंने जो शेल्टर था, मतलब कुछ ऐसे प्लेस जहाँ पर हो सकता था कि यहाँ पे ये रुकने लायक प्लेस है, तो उसको उन्होंने क्लीन किया और जो इंजर्ड व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी जो है दवाई की। और सेंट मैसेज टू पासिंग हेलीकॉप्टर्स डिमांडिंग फूड एंड अदर नेसेसिटीज। तो और जो हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे थे, ठीक है, जो लोगों की हेल्प करने के लिए आ रहे थे, तो उनको मैसेज कन्वे किया जिससे वो उनकी हेल्प कर सकें। प्रशांत गाइडेड दी विडोज टू वर्क इन फूड फॉर वर्क एनजीओ। ठीक है, तो एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था होती है जिसमें जो वीडियोस होती है वो काम करती हैं। ठीक है, तो जो वीडियोस मतलब जो विधवा होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, तो प्रशांत ने उनको गाइड किया कि आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कमिटी हेल्प वन अनदर। जो कमिटी के लोग थे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प कैसे की। वॉट रोल डू दी वुमेन्स ऑफ कलिकुदा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज। तो जो कलिकुदा की लेडीज थी, वुमेन्स थी, उन्होंने उस टाइम पे उनका क्या रोल था। तो आंसर देखते हैं, प्रशांत टुक द इनिशिएटिव एंड मोबिलाइज एवरीवन टू हेल्प वन अनदर। पीपल ऑफ द कमिटी ज्वाइन हैंड टुगेदर एंड स्टार्टेड रिलीफ वर्क। वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन अ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन्स। तो ये तो जो प्रशांत था, उसने सभी लोगों की हेल्प की और सबको प्रेरित भी किया। ठीक है, और फिर जो कमिटी के लोग थे, जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने एक साथ मिलकर रिलीफ वर्क स्टार्ट किया, जिससे कि जो लोग भूखे थे उनको फूड प्रोवाइड किया, मेडिकल इशू प्रोवाइड किए। ठीक है, और लोगों की बहुत सारी सहायता की। जो वुमेन्स थी, उन्होंने जो है फूड मतलब भोजन बनाना स्टार्ट किया, वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया इसके लिए, और जो अनाथ बच्चे थे और उनको देखने लगी। तो ऑर्फेंस चाइल्ड मतलब जो अनाथ होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनकी देख रेख की वुमेन्स ने। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर रिसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेंस एंड विडोज। What alternative do they consider? ठीक है, प्रशांत जो था उसने एक प्लान बनाया था कि वो एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेगा जिसमें जो ऑर्फन्स और विडोज है वो उनके लिए होगा। ठीक है, तो what alternative do they consider? तो उनके क्या क्या अल्टरनेटिव्स थे वो बताने हैं। आंसर है, they felt that it would not be proper to set up separate institution for orphan and widows. Because the children would grow up without family love and widows would suffer for stigma and loneliness. Instead, Prashant and his group suggested that children and widows should be resettled in their own community when they can get a homely environment. ठीक है, तो पहले उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एक चाइल्ड के लिए जो ऑफन चाइल्ड है उनके लिए, एक विडोज के लिए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो धीरे धीरे बड़े होंगे, उनके जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है फैमिली का जो लव होगा वो सब तो नहीं रहेगा ना, और जो विडोज़ रहेंगी उनके पास भी उनके हस्बैंड
तो डेथ हो चुकी है, वो है नहीं, तो उनकी जो जिंदगी है वो भी अकेले में बीतेगी। तो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जो चाइल्ड और जो विडोज हैं वो एक साथ अपने ही कंट्री में सेटल किए जाएंगे, जिससे उनका जो इन्वायरमेंट है वो घर की तरह हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर? डू यू थिंक यंग पीपल कैन ग्रो टू गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल क्लामिटीज? ठीक है, यहाँ पर आप क्या आप सोचते हो प्रशांत जो था वो एक अच्छा लीडर था, और क्या आप ये भी सोचते हो कि जो यंग पीपल हैं वो नेचुरल क्लामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, लैंडस्लाइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें यंग जो होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। यश, प्रशांत इज अ गुड लीडर। हाँ, प्रशांत जो था वो बहुत अच्छा नेता था। ही हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। तो उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है जिससे वो किसी भी डिसीजन को बहुत अच्छे से ले सकता है। हीज विज़न इज़ क्वाइट क्लियर। उसके जो विज़न है वो बहुत साफ है, उसका जो विचार है काफ़ी अच्छा है। ही फेसेज एडवर्स सर्कमस्टेंसेज करेजियसली। ही इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो किसी भी समस्या का जो सामना है वो आसानी से कर सकता है। वो एक उसके उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत करेजियस है। ठीक है, वो बहुत साहसपूर्ण है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज है। आई थिंक दैट यूथ इज़ द पावर ऑफ यंग पीपल। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो यूथ है ना वो उनके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है। यंग पीपल परफॉर्म योर ड्यूटी विथ फुल स्पीड। और जो यंग पीपल होते हैं वो अपनी ड्यूटी को, मतलब उनको जो भी काम दिया जाता है उसको अपने पूरे दिल से इज्जत से उसे कम्प्लीट करते हैं, तो वो अपना उसमें 100% देते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी वीडियो।